Hello. Everyone photo. You come family, I click one family. Okay? आशु आमदर पे आमदर पे चल आशु ना तुम्हारे जब तो सुनो ना। आज है दूसरा दिन मेरा थाईलैंड के अंदर, तो मैं अपने होटल में अभी भी उठा हूँ। देखिए बाहर का नज़ारा मेरे होटल से। मेरा जो है वो 12th फ्लोर है और ये बाहर बिल्डिंग्स आप देख लीजिए, यहाँ से बहुत ऊँची ऊँची बिल्डिंग है मेरे होटल के आसपास की। और साइड में जो आप देख पा रहे हैं वो है सारी बीच रोड की जो साइड लेन है 76, तो उसी के ऊपर हमारा होटल है ये 76 पे। वहाँ स्ट्रीट को बोलते हैं सोई, अगर जिसको नहीं पता उसको उसके लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे स्ट्रीट्स को सोई बोलते हैं। तो नाश्ते के लिए आ चुके हैं, सुबह सुबह भूख लगी थी, 9:30 बजे तक ही नाश्ता मिलता है सिर्फ। फटाफट खाते हैं खाना क्योंकि आज हमारा जो है वो कोरल आइलैंड का टूर होने वाला है। वैन में ये साइड का नज़ारा है सुबह सुबह का, क्योंकि पार्टी यहाँ सुबह 4-5 बजे तक चलती है। प्लीज एवरीवन फोटो, ये बाबूराव का स्टाइल है, तू ले। तो फोटो के पोज देखकर वादे निकलते हुए यहाँ से पैदल चलकर जाना पड़ता है हमें, जहाँ से हमें स्पीड बोट कोरल आइलैंड पे लेके जाएगी। जो कोरल आइलैंड है वो यहाँ से डिस्टेंस पे है, जहाँ स्पीड बोट से जाते हैं लोग। तो यहाँ से हमें स्पीड बोट तक जाना पड़ेगा पैदल। ये प्लेटफॉर्म पे हमारी बोट आ चुकी है, देखिए इसमें जाएंगे हम सारे। आशु आमदर पे आमदर पे चल आशु ना तुम्हारे जब तो सुनो ना। क्या बोल रहा है ये, थाई लैंग्वेज में बोल रहा है कुछ। जैकेट लेते हैं, सेफ्टी जैकेट डाल के बैठते हैं, आगे बैठता हूँ मैं। बहुत झटके लग रहे हैं, आगे मैं गलत सीट पे बैठ गया क्योंकि बोट बहुत जोर जोर से लगती है नीचे। मेरी आवाज़ भी आपको कम आ रही होगी। ये हम फर्स्ट पॉइंट पे रुके हैं, यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हैं ये पहले एक्टिविटी करते हैं। ये पैराशूट की एक्टिविटी है, जो ये डिप पैर डिप करते हैं पानी पे, फिर ऊपर उठा कर ले जाते हैं। तो कुछ एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे, वो इसके बारे में सारा ब्रीफ करते हैं यहाँ बिठा के। अगर आपने करनी हो तो आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं, एक्स्ट्रा पे दे के 2500 बात लेते हैं ये सभी एक्टिविटीज़ का। और कुछ एक्टिविटीज़ अगर हमें इंडिविजुअल लेके करनी है तो कुछ का 800 बात है, कुछ का 1000 बात है, इसमें आप एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। देखिए ऐसे जो है ये करते हैं, पैराशूट की पैराग्लाइडिंग बोल रहे हो आप उसको, पैराशूट बोल रहे हो जो भी कह सकते हो, पैराशूट जो भी कह सकते हो, ये होती है यहाँ पे। और इसके बाद हम जाएंगे कोरल आइलैंड पे, बीच में भी बता रहे हैं कि एक स्टॉप आएगा, उसमें स्कूबा डाइविंग के लिए रुक सकते हैं। तो नज़ारा देखिए आप, आपको भी एक बार जरूर चाहिए। सभी एंजॉय करते हुए
बड़ा ही अलग टाइप का एक्सपीरियंस है ये। जब ये आप पटाया हो तो फोर लाइसेंस का ट्रिप जरूर करना, बहुत मज़ा आएगा आपको। ये कुछ लोग जिन्होंने स्कूबा डाइविंग करनी है वो यहाँ पे रुकेंगे, जिन्हें स्कूबा डाइविंग नहीं करनी वो आगे जाके फॉरेस्ट आइलैंड पे जाएंगे हमारी बोट में, क्योंकि जो पॉइंट है स्कूबा डाइविंग का पॉइंट है। अभी मैं फ्रंट पे बैठा हूँ आगे, और झटके आप महसूस कर रहे होंगे कितने लगते हैं आगे बैठ के। स्पीड बोट आगे से उठ के नीचे लगती है जब स्पीड में चलती है तो। कैसा लगा मेरा मजाक? ये सारा कॉरल आइलैंड है, स्पीड बोट आइलैंड के थ्रू हम यहाँ पे आए हैं। तो बहुत ही बढ़िया प्लेस है घूमने के लिए, आप यहाँ डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज कर सकते हैं। और तो यहाँ का सैंड देखिए बिल्कुल वाइट है, वाइट सैंड है यहाँ की, जो रेत है वो वाइट है। जो लोग भी पटाया आते हैं तो कोरल आइलैंड पे जरूर आते हैं वो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज करने को मिल जाती हैं। जेट स्कीज भी आप कर सकते हैं यहाँ पे, ये आप सामने देख पा रहे हैं, ये बनाना राइड है, ये भी आप ले सकते हैं, ये पैकेज के अंदर ही मिलेगी आपको। पैकेज में हमें फूड भी मिला है, वापसी में हम लंच करेंगे जाके दोपहर का खाना, इस जो पैकेज के अंदर इंक्लूड है। ये पैकेज मेरे को बहुत ही सस्ता मिला है और बड़ा रीजनेबल रेट में मिला है। फ्लाइट्स भी इसके अंदर इंक्लूड हैं, साइट सीन्स भी हैं, ट्रांसफर्स भी हैं, होटल्स भी हैं। तो अगर आपको करनी हो तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा मैंने कहां से किया और कितना सस्ता पड़ा मेरे को। ये यहां पे बैठने के लिए है, लेकिन ये सबके प्राइवेट हैं सब लोगों के, अगर आप बैठोगे यहां पे तो आपको 100 baht पे करने पड़ेंगे। यहाँ का हो चुका हमारा 4-5 घंटे में, फुल इंजॉय किया है। यहाँ पे वापसी की तैयारी हमारी, अपनी की बोर्ड में बैठ चुके हैं। हेलो सर, भाजी जैकेट पहन लो, जैकेट होता है खाते पे। अभी मैं पीछे बैठ गया, देखो कितना बढ़िया नज़ारा आ रहा है यहाँ से। आगे बैठ के झटके लग रहे थे बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा पीछे बैठ के एंजॉय करते हैं इसको, आप भी कीजिए मेरे साथ एंजॉय। अगर आपको स्पीड बोट पे बैठना है तो ब्रिज स्टेशन यही है, पीछे बैठिए आप, यहाँ से व्यू भी अच्छा आएगा आपका और आपको झटके भी कम लगेंगे।
कोरल आइलैंड का जो टूर है ये डे का होता है, सुबह 9:30 बजे आपको जो आपकी वैन है वो आपको पिक करके यहाँ ड्रॉप कर देगी स्टार्टिंग पॉइंट से, और यहीं से फिर आपको आगे स्पीड बोट से लेके जाएंगे, तीनों पॉइंट पे रुक के पूरा कोरल आइलैंड घुमा के उसके बाद फिर आपको वापसी ड्रॉप करेंगी जहाँ से आपको पिक किया था, वहाँ से फिर आपको वैन लेके जाएगी आपके लंच पॉइंट तक, जिस होटल में लंच आपका बुक होगा वहाँ पे लंच आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा जो इस पैकेज के अंदर इंक्लूड है। तो बहुत अच्छा पैकेज है, अगर आपने भी लेना हो तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊँगा कि मेरे को ये कहाँ से सस्ता और बढ़िया मिला, ताकि आप भी बुक कर सकें, आप भी इंजॉय कर सकें थाईलैंड का। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। और इसमें आपको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए मेरे को, ताकि और इसमें इम्प्रूवमेंट मैं करके आपको अच्छी से अच्छी वीडियो दे सकूँ जो आपको पसंद हो, इंफॉर्मेटिव आपको लगे, तो कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको इसके अलावा भी चाहिए थाईलैंड के बारे में तो आप मेरे को कमेंट कीजिए कि आप इसमें क्या क्या देखना चाहते हैं, तो मैं सब कुछ आपको उसमें ब्रीफ करूँगा, उसमें दिखाऊँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी आपको जानकारी चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप बेझिझक होकर मेरे को मैसेज कीजिए, मैं हर मैसेज का जवाब देता हूँ। तो आप मैसेज कीजिए जो भी आपको पूछना है थाईलैंड के बारे में, और आपने अगर आप इच्छुक हैं यहाँ घूमने के तब भी आप मेरे को मैसेज कीजिए, मैं आपको अपना पूरा टूर पैकेज बताऊँगा कि मैंने कहाँ से टिकट बुक करी, कहाँ से पैकेज बुक किया और कैसे आया, और क्या क्या यहाँ पे आने के लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो हम इंडियंस को चाहिए होती हैं, वो सब मैं आपको इस अपनी वीडियो में बताऊंगा या आपको मैसेज में जवाब दूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।